नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो टॉप 10 कंपनी है। दोस्तों ये शेयर अभी काफी अंडर वैल्यूड है। इस सेक्टर के जो स्टॉक है, अभी काफी सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो कि काफी अंडर वैल्यूड है, काफी परफॉर्म नहीं किया है। कई सारे स्टॉक है जो कि अपने पैंडमिक से पहले के प्राइस को रिकवर कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें एक बूम आना बाकी है। जिस तरह की तेजी आप आईटी कंपनियों और फार्मा कंपनियों में देख रहे हैं, वही तेजी आने वाले समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने मिल सकता है जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है। तो अभी जो क्वालिटी के स्टॉक्स है उसे ग्रैब करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है उससे पहले आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस सेक्टर के जो डेट फ्री कंपनियां हैं उसके साथ जाएं, या डेट है तो काफी कम होना चाहिए। कई कंपनियां हैं जो कि अपने सेक्टर में वेल एस्टेब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, लेकिन उस कंपनी के ऊपर डेट भी है। तो हम सारे तरह के स्टॉक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जो स्टॉक अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो स्टॉक अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। तो चलिए पहला स्टॉक शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। करेंट प्राइस है मात्र 48 रुपीज। ये PSU स्टॉक है इसलिए आपको प्राइस काफी कम भी दिख रहा है। तो काफी मतलब दो तीन स्टॉक इसमें PSU स्टॉक भी है, आप चाहे तो उसके साथ भी जा सकते हैं। ये ज्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, 2008 में ही लिस्ट हुआ है कंपनी। 34 रुपीज उस समय प्राइस था, अभी भी कुछ खास ऊपर नहीं गया स्टॉक। तो मतलब आपको मात्र जो है देख सकते हैं 16% ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी बूम आना बाकी है, कोई खास तेजी देखने नहीं मिला है। तो 10वें नंबर पे हमारा है इरकॉन इंटरनेशनल। करंट प्राइस 48 रुपीज है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप दूसरे स्टॉक के साथ जा सकते हैं। जैसे दूसरा स्टॉक है हमारा जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें रिटर्न का, तो लॉन्ग टर्म में काफी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, 281% का देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 448 रुपीज है। अभी भी ये स्टॉक देखिए काफी अंडर वैल्यूड है, मात्र 180 रुपीज पे आपको मिल रहा है। अगर यहाँ से भी थोड़ा गिरावट आता है तो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी काफी अच्छी है, काफी कम डेट है इस कंपनी के ऊपर। तो ये सारे स्टॉक जो आपको बताने, सारे के सारे स्टॉक काफी बेहतरीन है। अगर आप यहां पर नीचे चलते हैं तो देख लीजिए, यहां पर जो कंपनी का जो पी रेशियो है 43 का है, जबकि इंडस्ट्री का देख सकते हैं 59 का है। तो काफी अच्छे अभी पी प्राइस पे आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.5 पर डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का 0.85 है, थोड़ा सा कम डिविडेंड यील्ड है। वहीं कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो देखिए डेट कंपनी के ऊपर है 707 करोड़ का, और जबकि इक्विटी है कंपनी के पास 1830 करोड़ का। और याद रखिए कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1491 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी काफी अच्छी है क्योंकि इस सेक्टर के जो कंपनी है उसमें काफी दिनों से मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो स्टॉक काफी सस्ते प्राइस पर उपलब्ध है, तो आप जो अपना 5% जो कैपिटल इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। 566 रुपीज अभी करेंट प्राइस है। और वहीं कंपनी के मैक्सिमम ईयर के रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम ईयर के चार्ट को आप जब देखते हैं, देखिए काफी लंबे समय से ये डाउन ट्रेंड में है, मात्र 125% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे स्टॉक जो अभी डाउन साइकिल में देखते हैं काफी सस्ते प्राइस पर उपलब्ध है। यहाँ तो गिरावट देखिए 2020 में मात्र 200 रुपीज का ये स्टॉक था, वहां से काफी मतलब लगभग डबल हो चुका है। तो ये सारे जो स्टॉक है वो काफी मतलब अंडर वैल्यूड, अभी मोमेंटम आना बाकी है। कुछ स्टॉक में मोमेंटम आया भी है, कुछ किसी में बिल्कुल मोमेंटम नहीं आया। अगर कंपनी पर डेट की बात करें तो 9000 करोड़ का डेट है, जबकि इक्विटी मात्र 3300 करोड़ का मात्र इक्विटी है। तो डेट जो इक्विटी से काफी ज्यादा है, तो यही कई सारी कंपनियों में आपको दिक्कत भी मिलेंगे। स्टॉक काफी अच्छा है लेकिन कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है, तो जिसके बारे में हम डिटेल में बात करते चलेंगे। ये सारी कंपनियों में से आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। अभी टेक्निकल चार्ट इसका काफी वीक है, धीरे धीरे चार्ट स्ट्रांग हो रहा है। जब इस लेवल को क्रॉस करेगा 670 रुपीज को, तो फिर इसमें आपको काफी तेज मोमेंटम दिख सकता है अगले टारगेट के लिए 1100 के लिए। तो अभी टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक काफी वीक है। अगला है अशोका बिल्डकॉन, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। करंट प्राइस है मात्र 100 रुपीज, और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ईयर में रिटर्न देखते हैं। यहाँ पर चार्ट जो पहले भी देखिए काफी ज्यादा ये यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में था, फिर ये अप ट्रेंड पकड़ा। तो लगभग देख सकते हैं 2013 से कंपनी लगातार 2018 तक में सेल होल्डर को जबरदस्त रिटर्न दिया, 30 रुपीज से 180 रुपीज, लगभग 6 टाइम्स का रिटर्न। फिर वहां से डाउन ट्रेंड में स्टॉक काफी मतलब गिरावट देखने मिला, जो मार्च में 2020 में गिरावट था, मात्र 44 रुपीज में स्टॉक मिल रहा था, अभी वहां से काफी ज्यादा मतलब डबल कर चुका है इन्वेस्टर के वेल्थ को। तो ये स्टॉक जो होते हैं सारे के सारे, अभी आप साइकिल आने वाला है इस स्टॉक का, तो जैसे गिरावट मिलता है नीचे के प्राइस में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखते जाइए कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी पे डेट काफी ज्यादा है,
यहाँ पर देखिए टोटल 6,261 करोड़ का, जबकि इक्विटी मात्र है 542 करोड़ का। काफ़ी कम इक्विटी, डेट काफ़ी ज़्यादा, तो आप डेट वाली कंपनियों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनियां भी आ रही है। मार्केट कैप है मात्र 2819 करोड़ का। तो सारे अभी तक जो आए हैं सारे के सारे स्मॉल कैप कंपनी थे, जबकि आपने देखा था जेके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पास काफ़ी कम डेट था। तो यहाँ पर देखते हैं मात्र 700 का डेट था, जबकि इक्विटी 1800 का था, 1400 करोड़ का मार्केट कैप था। तो इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कंपनियाँ इस वीडियो में आने वाले हैं। अगला है इंजीनियरिंग इंडिया, इंजीनियरिंग इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अगर मैक्सिमम मेन में चार्ट की बात करें, ये भी कंपनी देखते हैं एक साइकिल में चलती है, अप साइकिल डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल। तो ये तभी होगा जब आपको साइकिल को पकड़ने आएगा कब कंपनी अप साइकिल में है कब डाउन साइकिल में है। तो ये देखिए टेक्निकल चार्ट पे आपको अप साइकिल और डाउन साइकिल पकड़ने आना चाहिए। चार्ट यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, जब कंपनी इस तरह का ट्रेंड बना रही है तो आप यहाँ पर बीच में कहीं पे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर धीरे धीरे ये अप साइकिल बना रहा है, तो ये कब अप साइकिल में कहलाएगा, जब ये अपने जो इसका इससे पहले का हाई है जो डाउन साइकिल में आते गया, तो किसी एक हाई को ब्रेक करे, जैसे 112 रुपीज़ के ऊपर निकले, तो हम इसको धीरे धीरे अप ट्रेंड में मानने लगेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के स्टॉक में। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्वांटिटी साइज को मेंटेन करें, आपका क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर डेट की बात करें तो कंपनी ऊपर मात्र 5 करोड़ का डेट है, क्योंकि ये PSU स्टॉक है, इसलिए डेट आपको काफ़ी कम दिख रहा है। जबकि इक्विटी देख सकते हैं 2400 करोड़ का है और 4700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी एक PSU स्टॉक है। अगला है NBCC इंडिया लिमिटेड, करंट प्राइस है 54 रुपीज़। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर के चार्ट देखते हैं, देखिए ये भी स्टॉक काफ़ी अप साइकिल में था, यहाँ पर देखते हैं अप साइकिल में, तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया था 2012 से लेकर के 2017 तक में 6 रुपीज़ से 130 रुपीज़ का जर्नी तय किया था, और फिर वहाँ से देख सकते हैं ये स्टॉक गिर करके मात्र 16 रुपीज़ पे आ गया। अब 16 रुपीज़ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 रुपीज़, मतलब 248% का रिटर्न, तो काफ़ी मतलब सॉलिड रिटर्न दिया जिन्होंने भी यहाँ जो बॉटम बना था मार्च में गिरावट में वहाँ पर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया। अगर हम बात करें कंपनी के डेट का, तो डेट फ्री कंपनियां है क्योंकि ये PSU स्टॉक है। इक्विटी की बात करें 1605 करोड़ का इक्विटी है, मार्केट कैप 9,846 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप में ये कंपनियां थोड़ी सी बड़ी है, जबकि और सब कंपनियां इससे काफ़ी छोटी थी। तेज़ी देख लीजिए 12% का तेज़ी एक दिन में। तो इस स्टॉक मतलब इस सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें काफ़ी तेज़ी आने वाला है आने वाले समय में। अगला है लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लिखता ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, 14% का तेज़ी देख सकते हैं। जो अच्छे स्टॉक हैं इस सेक्टर के अभी काफ़ी आपको भागते हुए नजर आएंगे। जो कंपनी का काफ़ी डेट था, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था, वो कंपनियों के स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा था, लेकिन इस कंपनी में देखिए 14% का तेजी एक दिन में। और अगर हम बात करें मैक्सिमम ईयर में, तो ये कंपनी देखते हैं लास्ट ईयर में ही लिस्ट हुआ है, 2020 में ही लिस्ट हुआ, मात्र 132 रुपया। अगर डेट की बात करें बिल्कुल डेट फ्री कंपनी देखते हैं, इसलिए ऐसा रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। टोटल इक्विटी की बात करें तो 69 करोड़ का इक्विटी है, तो इसलिए ये कंपनी इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। मार्केट कैप मात्र 913 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है ये, एकदम स्मॉल कैप में भी छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, जब स्मॉल कैप कंपनी के साथ जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, एंट्री प्राइस देखना पड़ेगा। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री होनी चाहिए जैसा कि ये कंपनी है, और प्राइस जो होना चाहिए वो नीचे प्राइस होना चाहिए। अभी ऊपर में फंसेंगे तो फिर अगर जोरदार गिरावट होती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला स्टॉक है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करंट प्राइस देखिए 334 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है, और मैक्सिमम ईयर में बात करें रिटर्न का 563% का रिटर्न। ये स्टॉक तो काफ़ी ज़बरदस्त साइकिल में चलने वाला, देखते हैं अप साइकिल डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल। तो ये तो काफ़ी ज़बरदस्त अप साइकिल और डाउन साइकिल में चल रहा है स्टॉक। और अगर इसके डेट की बात करें बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां हैं, तो इस स्टॉक में गिरावट में जब मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं गिरावट डेट फ्री कंपनियां हैं, जब गिरावट में मिल रहा है अपना बॉटम बना रहा है, तो वहां से आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा चीज़ है, क्योंकि वहां से ज़बरदस्त मूवमेंट फिर दिखाता है ऊपर की ओर। टोटल इक्विटी की बात करें तो 1496 करोड़ का इक्विटी है, मार्केट कैप 3600 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी तक सारे के सारे स्मॉल कैप एक ही NBCC जो है थोड़ी सी बड़ी कंपनी थी स्मॉल कैप में, मतलब एक मिड कैप कंपनी थी, सारे के सारे स्मॉल कैप। उसके बाद KEC इंटरनेशनल,
ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक, ये भी लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में चलने वाला स्टॉक ही, देख सकते हैं तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। अभी करेंट प्राइस है 396 रुपीज़। और नीचे की बात करें तो चलते हैं नीचे, देखिए डेट कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का डेट है, जबकि इक्विटी है 2700 करोड़ का। तो ये कंपनियां ठीक है, क्योंकि डेट टू इक्विटी जो होना चाहिए 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कंपनियों के ऊपर डेट है उसमें आपको मोमेंटम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखेगा। मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, और इस कंपनी में भी देखते हैं जिसके ऊपर डेट हो वो कंपनी आपको उतना परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेगी, जबकि इसके तुलना में जो डेट फ्री कंपनियाँ उसमें ज़बरदस्त मोमेंटम शुरू हो चुका है। लेकिन जब पूरा सेक्टर दौड़ेगा तो ये कंपनियाँ भी दौड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ खास डेट नहीं है। लेकिन जिस कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन, वो सब कंपनियों आपको खास मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा, जबकि टेक्नो इंजीनियरिंग, लिखता इंफ्रा, ये सब में देखते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मतलब तेज़ी है। वहीं केस इंटरनेशनल, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके पास भी काफ़ी कम डेट है। अब जो नंबर वन स्टॉक है इस सेक्टर का, नंबर वन स्टॉक लार्सन टूर्बो, जो कि इस सेक्टर के लीडर स्टॉक हैं, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक इस सेक्टर में मात्र एक ही है, लार्सन एंड टूर्बो। क्योंकि इस सेक्टर में याद रखिए कई सारी कंपनियां पहले थी जो कि बर्बाद हो चुकी है, तो इसलिए इस सेक्टर के आप जो है सेक्टर लीडर के साथ रह सकते हैं, या तो डेट फ्री कंपनियों के साथ रहें तो काफ़ी फायदे में रहेंगे। लार्सन टूर्बो ये तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, लेकिन ये भी आपको वही साइकिल में, अप साइकिल और डाउन साइकिल में चलता हुआ देखने मिलेगा। देखिए जबरदस्त स्टॉक, लेकिन अप साइकिल, डाउन साइकिल, अप साइकिल, डाउन साइकिल, अप साइकिल, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड देखिएगा लगातार अप रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैरेंट कंपनी है पूरे लार्सन एंड टूर्बो ग्रुप की, मतलब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ये पैरेंट कंपनी है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। लेकिन डेट तो इस कंपनी के वो भी है, जिसने डेट टू इक्विटी लगभग 2 के बराबर है, 1,41,000 करोड़ का डेट है, जबकि 77,000 करोड़ का इक्विटी है। डेट टू इक्विटी लगभग डबल है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो, जबकि मार्केट कैप 2,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन ये कंपनी पैरेंट कंपनी है लार्सन टूर्बो ग्रुप की, इसलिए इस कंपनी के ऊपर डेट से कुछ खास बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी बड़ा है, जो कि इस डेट को आसानी से पे कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। आपको इस टॉप 10 स्टॉक में कौन सा स्टॉक सबसे ज़बरदस्त लगा? कंपनियां सारी की सारी अच्छी है, लेकिन स्टॉक हमें वो अच्छा लगना चाहिए जिसमें ग्रोथ हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और जितना फास्ट हो उतना फास्ट मिले। सारे स्टॉक अच्छे थे, लेकिन आप इसमें से लार्सन टूर्बो, केसी इंटरनेशनल, टेक्नो इंजीनियरिंग, लिखता, इस जो टॉप 4 स्टॉक्स है, टॉप 4 में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। चारों के चारों स्टॉक अपने आप में ज़बरदस्त है। तो अपना व्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि जो नए लोग हैं उन्हें भी निर्णय लेने में हेल्प मिल सके कि उन्हें किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल अनिवार्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो कि एक पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके टॉप 10 स्टॉक्स बताएंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर आपको छोटे प्राइस वाले, स्मॉल कैप, मिड कैप सब इस सेक्टर में मिलेंगे, क्योंकि इसमें से एक ही लार्ज कैप स्टॉक था लार्सन टूर्बो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।